नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Amazon शॉपिंग ऐप में आप गिफ्ट कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, अभी Amazon की KYC का अभी नया झमेला चालू हो गया है, तो बिना KYC के आप ऐड मनी तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको Amazon पे की अगर सर्विसेज यूज़ करनी है तो आप गिफ्ट कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। अगर रिचार्ज करना है, ऐड मनी नहीं हो रहा है, तो आप गिफ्ट कार्ड सिंपली परचेस करके अमेज़ॉन पे बैलेंस को टॉपअप कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अमेज़ॉन का ऐप खोलिए। इसमें सबसे पहले तो आपको होम बटन पे इस तरह का, ये देखिए, इस तरह दिखेगा आपको। तो यहाँ लेफ्ट में जो है अमेज़ॉन पे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे KYC का इशू है और ये मेरा पे बैलेंस 0.91 पैसा। तो इसको अभी टॉपअप कैसे करेंगे, अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे SMS में मेरे पास है गिफ्ट कार्ड कोड, ठीक है। ये देखिए, ये गिफ्ट कार्ड कोड है अमेज़ॉन का 1000 रुपीज़ का। तो इस गिफ्ट कार्ड कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, गिफ्ट कार्ड कोड, ओके। हाँ, ये गिफ्ट कार्ड कोड कॉपी हो गया। अभी वापस अमेज़ॉन के ऐप में जाएंगे और यहाँ पे ऐड गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ऐड गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है। ऐड गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करके ये गिफ्ट कार्ड कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया और ऐड नाउ जब करूँगा मैं, तो ये 0.90 जो अमाउंट है ये बदल के 10,000, सॉरी 1,000 रुपये हो जाएगा। ये ऐड गिफ्ट कार्ड मैंने कर दिया है, देखिए 1000 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह काफ़ी सिंपल तरीके से आप अमेज़ॉन पे बैलेंस को टॉपअप कर सकते हैं। ये देखिए 1000 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। और फिर इसका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। और हाँ, एक और बात, ये अमाउंट जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।